सेक्स में फिट रहने के लिए करे डॉक्टर ने ये बताए हुए पांच काम लंबे समय तक कर पाऊंगे, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर एक का एक मन में डाउट चालू रहता है कि क्या मैं ज़्यादा समय तक टिक पाऊँगा, नहीं टिक पाऊँगा, अभी मेरी शादी होने वाली है, क्या मैं मेरी बीवी को खुश कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरी बीवी खुश हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे आते हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी है ना खुश नहीं है, शायद वो कहीं बाहर तो नहीं जाएंगी किसके पास, मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टिक नहीं पाता हूँ, ऐसे अनेक सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं। इसके बदले लोगों ने पूछ लिया है बीवी को कि भाई तू खुश है कि नहीं है, तेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। खुद ने गेसिंग करते बैठना और ये सोचना कि नहीं नहीं होता है कि नहीं, वो खुश हो रही कि नहीं, सीधा पूछना है, वो करे तो सबसे अच्छा है। और वो बोलती कि नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को तंदुरुस्त करना होगा। दवाई के अलावा, मेडिसिन के अलावा, भले ही एलोपैथी रहो, आयुर्वेदिक रहो, होम्योपैथी रहो, इसके अलावा मैं आपको पाँच ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो यदि आप करते हैं वो पाँच काम, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा समय तक टिक पाओगे। नंबर एक, माइक्रो मेडिटेशन करना। माइक्रो मेडिटेशन ये 60 सेकंड का अप्रॉक्सीमेटली होता है एक बार, और ये आप बहुत बार कर सकते हैं। माइक्रो मेडिटेशन, इससे बहुत ज़्यादा फायदा सेक्स के ऊपर होता है। ये माइक्रो मेडिटेशन क्या होता है? माइक्रो मेडिटेशन मतलब जब ही आपको समय मिले, जब भी समय मिले, तब 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना है, फिर 4 सेकंड तक रोक के रखना है और 4 सेकंड छोड़ना है, ऐसे 12 सेकंड का एक बार का। 4 सेकंड अंदर लेना मतलब 0 to 4 सेकंड्स अंदर, 4 से 8 सेकंड रोककर, 8 से 12 सेकंड बाहर छोड़ना है। तो ऐसे आप एक मिनट तक करते हैं, 60 सेकंड मतलब ऐसा एक बार आपको लगेंगे 12 सेकंड, और अप्रॉक्सीमेटली आप 4 से 5 बार करते हैं एक मिनट में, और ऐसे दिन में बहुत बार तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। नंबर दो, नींद का समय आपका चुनना होगा और वो फिक्स रखना होगा। यदि आपका नींद का समय यदि बहुत ज़्यादा फिक्स है, रेगुलर है, तो उसका बहुत फ़ायदा फिटनेस के ऊपर और सेक्स के ऊपर होता है। नींद का समय फिक्स रखना उसका मतलब ऐसा है कि आप यदि 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे ही सोने का है, यदि 12 बजे सोने वाले तो रोज़ 12 बजे ही सोने का है, और अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे नींद लेना हर एक को ज़रूरी है, तो वो लेते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा सेक्स के ऊपर होता है। और यदि आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आपने डॉक्टरों का सलाह लेना ज़रूरी है। नंबर तीन, लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, दोस्त बनाते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, तो काफ़ी अच्छा डोपामिन सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है, ये फील गुड हार्मोन से उसमें अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने मुझे ये बताया और एक स्टडी में भी ऐसा पाया गया है कि जब आप एक कोई पार्टी करके आते हैं, रिसेप्शन में जाके आते हैं, लोगों से मिलते हैं और बाद में घर पर आते हैं, तो डेफिनेटली सेक्स का मूड बनता है और उनका सेक्स अच्छी तरह से हो जाता है जब लोगों से मिल के वो घर पर आते हैं तो। और साथ में यदि पत्नी रहे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि वो भी एंजॉय करेंगे बाहर, लोगों से मिलना जुलना, और डेफिनेटली आने के बाद में मूड अच्छा बनता है और सेक्स में बहुत अच्छा फ़र्क उसका होता है। नंबर चार, रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप फिट रहते हो, क्योंकि हर सेक्स एक्टिविटी में करीब करीब 1.5 किलोमीटर चलने इतनी ऊर्जा जलती है, 1.5 किलोमीटर चलने इतनी, मतलब आप यदि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली सेक्स एक्टिविटी भी अच्छी कर पाओगे, आप फिट रहोगे। तो 40 मिनट की रेगुलर आपकी एक्सरसाइज होना जरूरी है, और वो दौड़ना चलना मतलब जिसमें दम लग जाएगा, सांस फूल जाएगी, ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर पाँच, खुद पर प्यार करें। लोग अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करते हैं, मैं गया बिताऊँ, मेरे में ये कमी है, देखो वो कितना अच्छा है, देखो उसको इतना मिल गया है, मतलब लोगों को अपने को क्या मिला उसमें रस नहीं है, लोगों को जो मिल रहा है और वो अपने को नहीं मिल रहा है उसमें ज़्यादा दुख है। तो लोगों को जो मिल रहा है वो मिलने दो, आपको क्या मिल रहा है उसमें आप कृतज्ञ रहो, और कृतज्ञता ये बहुत बड़ी जादू है। शुक्राना, शुक्रिया अदा करना, ग्रेटफुल होना, ये करना है, और खुद पर प्यार करना है। यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और सेक्स लाइफ आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, आप ज़्यादा समय तक बेड पर टिक पाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत खुश हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। थैंक यू वेरी मच।